हे गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वह सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन के अंदर आप लोग देखोगे कितनी शानदार तेजी बनी है, स्टॉक में ब्रेकआउट होते हुए नजर आया है। 5% प्लस स्टॉक निकल चुका है, काफ़ी शानदार तेजी। 80 पैसे स्टॉक में जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली आज के दिन। और जो वॉल्यूम आई यहाँ पर आप लोग देखोगे वॉल्यूम भी शानदार लगते नजर आई है। 6,97,00,000 की वॉल्यूम अब तक हमें देखने को मिल चुकी है। ऐसे में स्टॉक के अंदर जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या रहे हैं, साथ में आप लोग देखोगे भी सुजलोन एनर्जी को लेकर एज ए लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने कल वाली वीडियो में क्लियर बोल दिया था कि भाई देखो लॉन्ग टर्म विजन है, जिन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस देखिए, कंपनी ने पीछे जो ऑर्डर विन किए थे वो आप लोग देखिए कब पूरा करेगी, उसका बेनिफिट कब होने वाला है। और आगे भी हर साल आपने देखा होगा अभी केंद्र सरकार ने, जी हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो 10 गीगावाट हर साल वो न्यू फ्रेश बीडिंग के लिए परियोजनाएं लेकर आती रहेंगी हर साल 10 गीगावाट। तो आप ही सोचो भाई हर साल अगर 10 गीगावाट लेकर आएंगी तो आने वाले टाइम में जो सुजलोन एनर्जी का भविष्य है वो हमें देखने को मिलता है कैसा, ब्राइट। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म विजन जिन्होंने पैसा लगाया है उनका पैसा यहाँ पर बन सकता है, लेकिन अपने एक बार खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग सोचना। तो चलिए अब देखते भी चार्ट्स के ऊपर क्या कुछ मूवमेंट्स इसके बन रहे हैं, यहाँ से क्या ये शेयर फिर से एक न्यू फ्रेश बाउंड्री हाई क्रिएट करेगा या फिर नहीं। जैसा कि पीछे आपने देखा होगा अभी 15 रुपये प्लस इसका जो ना बाउंड्री हाई था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 15.80 का बाउंड्री हाई है और 15 रुपये तक स्टॉक आज पहुँचा ऊपर में। तो यहाँ से स्टॉक एक फ्रेश न्यू बाउंड्री हाई क्रिएट कर सकते हैं और 10% की सर्किट लिमिट हमें जो ना अभी स्टॉक के देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते भाई इसके आगे के क्या मूवमेंट्स बन सकते हैं। और पीछे भी मैंने आपको बोला था कि स्टॉक अपने सपोर्ट पर और स्टॉक अपने सपोर्ट से उठाएं तो ऊपर में स्टॉक आपको एक अच्छे टारगेट दिखा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके जो चार्ट्स के ऊपर लेवल्स है हाल फिलहाल वो क्या है। और RSI MFI की बात करें तो RSI आप लोग देखोगे भी 63 और 53 पर MFI है, तो ये दोनों के दोनों आप लोग देखोगे मिड रेंज में है स्टॉक। अभी यहाँ पर रिटर्न्स आप लोग देख सकते हो, अभी 1 मंथ में 50% के आसपास के रिटर्न निकाल कर दिए, 3 मंथ में 106% के रिटर्न और 6 मंथ में आप लोग देखोगे 46 और 1 ईयर में 108% के रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिए। रिटर्न काफ़ी शानदार रहे हैं। तो चलो भाई अब देखते हैं चार्ट्स के ऊपर इसके क्या मूवमेंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी पीछे भी मैंने इसके लेवल्स आपको बताए थे कल की वीडियो में भी, आपको इसके सपोर्ट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ बताया था। और ऊपर में टारगेट हमारा क्या था 15 का, स्टॉक ऊपर में निकला है 15 रुपये के आसपास, यानी लगभग अपने जो टारगेट थे वो स्टॉक ने लगभग अचीव किए कल की वीडियो में जो आपको बताए थे। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी रेजिस्टेंस अगर टूटा तो स्टॉक में एक अलग ही वाइब आएगी और ऊपर में आप लोग देखोगे स्टॉक एक न्यू बाउंड्री फ्रेश बाउंड्री हाई क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद 20 रुपये तक के भी टारगेट आपको दिखा सकता है, बट विदाउट स्टॉप लॉस लिए। ध्यान सुनो, विदाउट स्टॉप लॉस लिए स्टॉक के अंदर मत घुसना भाई, पहले बोल देते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे पीछे आपको इसका सपोर्ट बताया था 13.15 से 13.30 के आसपास का, 13.30 के आसपास से स्टॉक आप लोग देखोगे उठिया और ऊपर में, ठीक है ऊपर में 15 रुपये के लेवल टच किए हैं, 13.30 से 15 के लेवल, तो काफ़ी शानदार तेजी बनी है। ऐसे में यहाँ पर एक मौका था, आई थिंक अगर आपने पैसा लगाया है यहाँ से तो आपको अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी जो शेयर है वो ट्रेंड के नीचे में है, ठीक है अगर ये ट्रेंड ब्रेक होता है साथ में जो ये इसका कल वाला जो लेवल मैंने आपको दिया था ये ब्रेक होता है तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनेगी, एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और इस ब्रेकआउट के चलते आप लोग देखोगे स्टॉक ऊपर में 18 से 20 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। हाल फिलहाल आप लोग देखोगे स्टॉक जो है अभी ऊपर के लेवल से आप लोग देखोगे एक वीक बना है और यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलता है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ ऊपर के लेवल से, तो संभल के स्टॉक के साथ चलना आई थिंक सबसे बेस्ट है। अगर आज के दिन कोई भी इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए 14.25 रुपये का, ठीक है तो ये लेवल है भाई आज के, इन लेवलों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। फिर इसका सपोर्ट आप लोग देखोगे स्ट्रॉन्गली सपोर्ट तो 13.30 के आसपास का, ये 13.15 से 13.30 के बीच का, और ऊपर में अगर बात करें करंट लेवल पर इंट्राडे वालों के लिए तो 14.25 रुपये का सपोर्ट है, तो ये लेवल रहेंगे इसके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।